नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज हम मोमोज की रेसिपी बनाएंगे। यदि आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा नाम है शालिनी गर्ग सिंघल और मेरे पेज का नाम है कुकिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। मैंने ऐसी एक कटोरी मैदा ली है, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड और नमक डाल के इस मैदा को मार लिया है और 10 मिनट के लिए इसे फूलने के लिए रख दो। मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए मैं इस पत्ता गोभी को इस घिया गस में ग्रेट कर लूँगी और एक मैंने छोटी सी गाजर ली है, इसको भी मैं इसमें ग्रेट कर लूँगी। मैंने गाजर और पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट का मसाला। अब मैं इसे फिलिंग को मिक्स करके तैयार कर लूँगी। मोमोज बनाने के लिए मेरे पास स्टीमर नहीं है, इसलिए मैंने एक भगोनी ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इस तरीके की चावल पसाने की एक चलनी आती है, मैं उस चलनी को इसके अंदर रख दूँगी इस तरीके से, और थोड़ी सी चिकनाई लगा के इसके अंदर मोमोज रख के प्लेट से ढक के पकाऊंगी। देखिए, उस आटे की मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। ये देखिए, मैंने इसे पतला पतला बेल लिया, थोड़ी सी चिकनाई लगा के अब मैं इसमें फिलिंग भरूंगी। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी। एक पर्थ यो मोड़िएगा, फिर इसकी ये पर्थ, फिर इसकी ये पर्थ, फिर इसकी ये पर्थ, फिर इसकी ये पर्थ, फिर इसकी ये पर्थ और फिर इसकी ये पर। अब इसको पकड़ के आप इसको हल्का सा यो घुमा दीजिएगा। ये आपकी शेप तैयार। पानी अब बॉईल हो चुका है, अब मैं इसे धीमी कर दूंगी इस गैस को। और ये मोमोज मैंने बनाए हैं जिस पैन में मैंने चिकनाई लगा दी है, और ये मोमोज मैंने बनाए हैं, अब मैं इसको इसके अंदर रख दूंगी। धीमी आंच पे मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे चेक करूंगी ये बने हैं या नहीं बने हैं। आप कोई भी चम्मच या कोई भी चीज़ ले लीजिए नुकीली और हल्का से इसे गाड़ के देख लीजिए। अगर ये आराम से गड़ रहा है वो इडली की तरह से, तो ये बन चुका है। ये मोमोज बन के तैयार हैं। अब मैं इसे सॉस और सीजनिंग चटनी के साथ इसे सर्व करूँगी। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा नाम है शालिनी गर्ग सिंघल और मेरे पेज का नाम है कुकिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।